दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं सिंपल कैश ऑनलाइन लोन ऐप जिसकी रेटिंग 4.1 स्टार की है और 1,00,000 लोगों ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। इस लोन ऐप की रियलिटी बताने वाला हूं कि आपको इस लोन ऐप से लोन के लिए ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप जानने वाले हो कि अगर आपको लोन का अमाउंट रिसीव हो गया है तो रीपेमेंट करने के समय में आपको किन बातों को खास तौर पर ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को कंप्लीटली ज़रूर से देखिएगा। सिंपल कैश ऑनलाइन लोन ऐप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4.1 स्टार की रेटिंग है और नीचे स्क्रॉल करते आप देखोगे कि नो डेटा शेयरिंग, ये लोग आपकी डेटा को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जैसे ही हम जाएंगे अबाउट सेक्शन में वहां पर मेंशन किया हुआ है कि 2000 से लेकर के 60,000 रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है इस लोन ऐप में, जबकि समय दिया जाएगा आपको 3 महीने से लेकर के 1 साल का, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और नीचे स्क्रॉल करते आपको देखने को मिलेगा इनका मेल आईडी जो कि outlook.com का है। चलिए ये तो रही वो बातें जो कि अबाउट सेक्शन में है या फिर डेटा शेयरिंग के बारे में लोगों ने कहा है। अब जिन लोगों ने लोन के लिए ट्राई किया है उनका ओपिनियन देख लेते हैं। पहले देखेंगे 5-स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फॉरनर्स लोग के रिव्यूज़ हैं, काफ़ी सारे फॉरन के लोगों के रिव्यूज़ हैं। जब हम बिल्कुल नीचे चले जाएंगे एंड में तो वहाँ पर जो है हमें इंडियन लोगों के रिव्यूज़ देखने को मिलेगा, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि भाई लोन ऐप से जो है लोन नहीं मिला इस तरीके से, मतलब लोगों ने लिखा हुआ है 5-स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में भी। और फॉरेन के लोगों के रिव्यूज़ तो बहुत सारे स्टार्टिंग में ही आपने देख लिया, यहाँ पर हमें क्लियर नहीं हुआ कि हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब हम देखेंगे 1-स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को, जहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आपको इस ऐप से लोन के लिए ट्राई शायद नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न है ये 1-स्टार रेटिंग के रिव्यूज़, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने जब इस लोन ऐप में लोन के लिए ट्राई किया तब उन्हें जो है 2000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है, मात्र 2000 रुपये का। अब वो भी उनको जो है रिसीव नहीं हुआ, उन्हें रिसीव हुआ है सिर्फ और सिर्फ 1270-1280 रुपये जो हैं उन्हें रिसीव हुए उनके अकाउंट में, और 7वें दिन जो हैं उन्हें रीपे करना पड़ा है 2000 रुपये का। अब काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ें सेम लिखी हुई है कि 2000 का अप्रूव हुआ और 2000 भी नहीं मिले, भाई 1200 रुपये मिले हैं, 1250 रुपये और देना पड़ रहा है हमें 2000 रुपये, वो भी 7 दिन के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब हम रीपेमेंट कर रहे हैं उसके बाद भी जो है इनकी ऐप में अपडेट नहीं हो रहा है और सामने से कॉल्स आ रही है रीपे फिर से करने के लिए या फिर मैसेज आ रहा है कि रीपे कीजिए, जबकि हम रीपे कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात करना चाहूँगा भाई उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है इस लोन ऐप से लोन के लिए ट्राई किया था, उनको लोन का अमाउंट रिसीव हो गया है। अगर लोन का अमाउंट आपको रिसीव हुआ है भले वो 1200 हो या जितना भी है, तो आपको रीपेमेंट जरूर से करना है और रीपेमेंट करने के समय में जो है एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर से बना लेना है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आपको किसी और फ़ोन की हेल्प से बनानी है और उसमें शो कर देना है किस तरीके से आप उस ऐप में गए हो, कैसे आपने जो है रीपे किया है, किस UPI पर किया है, मतलब पूरा जो प्रोसेस है वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग में होना चाहिए। उसको जो है आप अपने पास रख लीजिएगा। अगर ये लोग जो है अपडेट नहीं करते हैं ऐप में या फिर से कहा जाता है आपको रीपेमेंट करने के लिए, तो आप इस वीडियो को जो है उन लोगों को शेयर कर सकते हो। अगर फिर भी ये लोग जो है अपडेट नहीं करते हैं और आपसे फिर से पैसा पे करने के लिए कहा जाता है तो आप साइबर क्राइम में कंप्लेन कर सकते हो। आपके पास जो है एक बहुत बड़ा प्रूफ है वीडियो का, तो वीडियो जरूर से बना लीजिएगा रीपेमेंट करने के समय में। इसके अलावा आप अगर जानना चाहते हो मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि भाई आपको जो है इस लोन ऐप से लोन के लिए ट्राई फिलहाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मात्र 1200 रुपए मिलेंगे और उसका आपको जो है 2000 देना पड़ेगा, वो भी 5-7 दिन के अंदर, जैसा कि लोगों ने रिव्यू में लिखा हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लोगों ने लिखा है कि रीपेमेंट करने के बाद भी जो है अपडेट नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है आपको मैं मना कर रहा हूँ। फिलहाल मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि इस लोन ऐप से लोन के लिए ट्राई मत कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी लोन ले चुके हैं तो आपको रीपेमेंट जरूर से करना है। आई होप गाइस आप लोग मेरी बात को समझ गए हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं किसी भी ऑनलाइन स्कैम की जानकारी को तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो मैं वीडियो लगा रखा हूँ इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, इसमें मैंने बहुत सारे टिप्स दिया हुआ है। अगर आपको सच में लोन चाहिए किसी भी प्ले स्टोर वाली ऐप से तो आप जो है इस वीडियो को पहले ज़रूर से देख लेना, बहुत सारे टिप्स दिया हुआ हूँ। अगर उसको फॉलो करोगे तो हो सकता है आपको एक अच्छे खासे लोन ऐप से लोन मिल जाए, आपके साथ स्कैम नहीं हो। जरूर से देखिएगा इस वीडियो को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू सो मच।